आज के महीने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सारा रिकॉर्ड है, डीजल का पट्टा खत्म कर ले। चलो आप खड़े हो जाने, बैठ दे तू। कुमारी भवन दगा कलेक्ट्रेट में क्या लग गया जी? अब तक आपके पास आगरा की कौन सी ब्लॉक में कितने कितने तहसील में कितने टोटल क्या है, ये किसी में कम है किसी में ज्यादा है, इसकी मतलब क्या है? ये डीएचओ इस तरीके से जवाब देते हैं, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, हाँ आ रहा है जा रहा है चल रहा है। अब बिना फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताना चाहिए ना 320 में कितने में है ये परेशानी। ये सर 250 कोल्ड स्टोर है जिसमें अभी भी आलू है सर। शमशेर सिंह जी, जो आज कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं वो क्या प्रकरण है, आप उसकी शिकायत करता हैं? सर उसका ये है 5.4 करोड़ 95 लाख रुपया आया था, 20 किसानों को 4 लाख रुपए बांटा और 30 वो व्यापारियों को इन्होंने 5 करोड़ रुपया पूरा बांट दिया, उसमें से 30% इनका रहा, मंडी समिति वालों का, बाकी किसान ले गए, किसी किसान का कोई फायदा नहीं हुआ। हम मुख्यमंत्री जी से मिले, उन्होंने मतलब हमारी वो की और उसकी पोर्टल पे हमने जांच करा दी है। अब ये हम चाहते हैं कि SID जांच, DM साहब से कही है SID जांच करा दिया, तो जो फर्जी कागज हैं इन्होंने पहले जला दिए और फिर जलाने की कोशिश कर रहे हैं और मतलब ये आगे भी परेशान कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं कि भाई इसको वापस लो, हम किसी की वापस नहीं। वो जैसा हर महीने में जो किसान दिवस चलता है वैसे ही इस महीने भी किसान दिवस चला है, इसमें पूरे जिले के किसान उनकी जो परेशानी है उसको हमारे सामने रखे हैं। उसमें कुछ इश्यूज सीरियस गंभीर विषय था, जैसा जो किसानों के लिए सब्सिडी मिला हुआ था आलू किसानों के लिए, वो सब्सिडी को केवल व्यापारियों को 96% उनको दे दिया गया है, करीब केवल 22 किसानों को ही उसकी फ़ायदा मिला है। इसमें एक इंक्वायरी गठित किया गया है, CDO साहब के अध्यक्षता में इसमें इंक्वायरी करेंगे और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये बहुत अफसोस की बात है कि जो किसानों के लिए फायदा के लिए सरकार ने पैसा दिया था, मतलब इस तरीके से उसका उस पैसे का बंदरबांट होना वो अच्छी वो नहीं है। तो इसको लगभग ये 5 करोड़ का है, केवल मुझे लगता है 4 लाख को छोड़ करके जो 22 किसानों को मिला है, इसके अलावा और सब पैसा केवल व्यापारियों को ही दिया गया है। इसके अलावा एक मांग थी किसानों की 31 दिसंबर तक कोल्ड स्टोरेज में, वो आज अभी मैं संज्ञान में आए हुए हैं, मैं कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के लोगों से भी बात करूंगा और DHO को भी ले जा रहा हूं, अभी मैं बात करके उसको हम लोग अच्छी तरीके से निस्तारण करेंगे।